गुड मॉर्निंग गाइस, सो टुडे इज़ द सेकेंड डे इन ज़ास्कर वैली एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटिफुल विलेज एंड टुडे आई एम हेडिंग टूवर्ड्स पदुम और मे बी आई विल ऑल्सो ट्राई टू विजिट फुक्तर मोनेस्ट्री ऑन द वे। सो भी आप ये गांव का 360 व्यू देखिए, ये इस तरीके का एरिया है। सो चलते हैं। थ्रू आउट ज़ास्कर वैली रास्ता जो है वो ऐसा ही है एंड जो सामने वाला पहाड़ है अब उसका कलर देखिए। कल हमने देखा था माउंट गोम्बो रंगजन, वो थोड़ा ब्राइट येलोइश कलर का था, ये पहाड़ है डार्क ब्राउनिश और इस तरफ वाला नॉर्मल मिट्टी के रंग जैसा। तो ये रेडिश ब्राउन था और उसके बाद इसके साथ ही लगता अगला पहाड़ जो है वो ब्लैकिश हो रहा है एंड देन सी वो सामने वाले। वो नदी के उस पार आपको दो घर दिख रहे होंगे, एक्चुअल में वो गांव है या जो भी है वो वही है जो दो घर हैं, उनके अलावा पूरे इस तरफ से आया हूँ मैं इधर, मुझे कुछ नहीं दिखा और उनके आगे भी कुछ नहीं दिख रहा है और इस नदी के ऊपर यहाँ आसपास कोई ब्रिज भी नहीं है। सो जस्ट इमेजिन द लाइफ इन दैट विलेज और इन दोज हाउसेस, अमेजिंग यार, ज़ास्कर ब्यूटीफुल। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। यहाँ पहाड़ भी है, नदियाँ भी है, पानी है, इसके बावजूद इसको रेगिस्तान बोलते हैं। सोचने वाली बात है ना, उसकी वजह है यहाँ की क्लाइमेट और यहाँ का एल्टीट्यूड। क्लाइमेट सर्दियों में इतनी बर्फ़ गिरती है यहाँ पे कि सारे के सारे पहाड़ के रास्ते नदियाँ तक जम जाती है और उसके बाद एल्टीट्यूड इतना है कि ऑक्सीजन लो होने की वजह से भी यहाँ पे पेड़ पौधे कुछ नहीं होते। और इस ठंडे रेगिस्तान में जहाँ भी कोई गांव या कुछ भी लोग बसे हैं तो सदियों से यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने सिर्फ वहीं पर अपने गांव बसाए हैं जहाँ पे उनको एक तो पानी का सोर्स मिला, जैसे इस गांव में ऊपर से जो बर्फ़ पिघल के एक्सट्रीम आ रही है वो फिर ये जो ऊपर खेत दिख रहे हैं इनके, इनमें इनकी इरिगेशन हो जाती है। और दूसरा जहाँ कहीं भी इनको लगा है कि यहाँ पे नीचे ज़मीन जो है पथरीली नहीं है पर मिट्टी है जिसमें खेती की जा सके। ओके गाइस, फाइनली आई हैव मेट सम साइक्लिस्ट on this side. Yeah, so you are from Germany. Great. So you are doing from Lama Euro until Chikula. Okay, then go back to Lee. Okay, and how what's your age? Yes, 67. That's great. You sir? 67. So guys, those who are seeing this video, just salute to you sir. Yeah, great. You don't look like, you look even younger than me. So they are almost 70 and they are riding on their bicycle on this road, you can see. So that's incredible, sir. And you are really inspiration to so many young guys like me and many more back in India and around the world. So thank you so much, keep riding and stay strong. And you. Thank you, sir.
लगभग 2-2.5 घंटे चलने के बाद इस तरीके के रास्ते पे एक गांव आया है रोड पे भी, ये मेरे राइट साइड में। यार रोड यार है तो पूरा ही ऑफ रोड है। इस पूरी वैली में 280 किलोमीटर की जांसकार वैली है ये, और उसमें बस सिर्फ ऐसे छोटे छोटे गांव हैं, कोई शहर नहीं है। पदुम बोलते हैं यहाँ का टाउन, देखेंगे, पर मेरे ख्याल में वो एक बड़ा गांव जिसको कह सकते हैं हम। अदरवाइज तो सोच लो आपके 280 किलोमीटर का ऑफ रोड और बीच में 10-12-20 घरों के छोटे छोटे गांव, वो भी कई कई दूर। ओके, इस गांव में एक छोटा सा ढाबा भी है, पर गांव ये जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं ना सामने, इतना ही है बस। ये जो घर है 7-8-10 जो भी है, 10 क्या, इसमें 4 या 5 ही घर है बिल्कुल। अभी एक भाई से मैंने पूछा है, और ये इस गांव के खेत। आगे से जांसकार वैली में रास्ते के बारे में बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ऐसा ही रहेगा, कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ बदलते हुए अलग अलग नज़ारे देखिए। ओह माय गॉड, पत्थर पत्थर ही नहीं है, बहुत सारी सूखी रेत भी है रास्ते में, हाल देख लो आप। ये इस तरफ आई थिंक पुरने गांव है, और इस तरफ ऊपर जाके है फुक्तर मोनेस्ट्री, और ये नज़ारा देखो यार आप, सो ब्यूटीफुल। ये पुरने गांव, 3-4 घर होंगे इसमें भी, बट लोकेशन देखो यार। एक तो ये पूरा पत्थर और मिट्टी वाला रोड, ऊपर से फिर ये सारे की सारी चढ़ाई, बहुत मुश्किल हो रही है। ऊपर से कोई ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं, चल रही है गाड़ी, पानी है शुक्र है, आधी बोतल तो भी चल जाएगा काम, देखते हैं। किस्मत देखो, अभी मैं जैसे चढ़ते हुए बात कर रहा था कि सुबह से कुछ ढाबा वाबा मिला नहीं, कुछ लंच वगैरह हुआ नहीं था, तो ये चढ़ाई चढ़ते ही बिल्कुल टॉप पे, ये पीछे भाई साहब लुधियाना से, तो चढ़ते ही इनके पास 2 मिनट बात करने के लिए हुआ, इतने में इनका लंच आ गया, और पाजी बोले कि बैठो रोटी खाइए। अभी पदुम काफ़ी दूर है यहाँ से, पर शुक्र है चढ़ाई चढ़ गए, आगे का आगे देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, आरओ विच है गए थे, मशीन चला रहे हैं, जेसीबी है ना, ठीक ठीक, चलो फिर चलते हैं, शुक्रिया है। ये तो स्टाइलिश काम वाले हैं, चश्मे चुश्मे लगा के, है ना, लगा
ग्लव्स वगैरह सब कुछ है, मतलब आराम से मस्ती से पत्थर तोड़ रहे हैं ना आपको तो फिर गुड गुड। ये गांव आपका है? सही है। क्या है? चा चा। हरियाणा? आज आया मैं, ओ गांव नहीं है इधर से, लास्ट गांव है जहाँ से कार की आँख, हाँ वहाँ से। हालत देख लो, इतना ज़्यादा मिट्टी है। अभी अभी है भाई, एक स्लिप हुआ है बाइक वाला, और मिट्टी भी ऐसा वाला नहीं है, पूरा ऐसे पाउडर। वो नीचे से देख रहे हो, वहाँ से चढ़ के आया हूँ, और रास्ता तो यार बल्ले ही बल्ले है। बाकी का देखो आप, अभी ये हाल है इस रास्ते का। आप सर्दियों में सोचो तो बर्फ जम जाती है, तो पूरे का पूरा जो वैली है कट जाता है। दोपहर में वो लुधियाना वाला भाई ना मिलता ना, और अगर वहाँ रोटी ना होती फिर काम गड़बड़ होना था। अभी भी इतनी रेत और मिट्टी पत्थर बुरा हाल हो रखा है, सारे शरीर पे मिट्टी मिट्टी हो रखी है। देखते हैं, अभी आज कोशिश यही रहेगी पदुम पहुंचने की। सुबह जो 11 बजे एक गांव में एक छोटा सा ढाबा था, उसके बाद 4 बजे जाके ये 7 स्टार, यहाँ के यही 7 स्टार है, 30 स्टार आया है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि जास्कार के अंदर कितना रिमोट सिस्टम है। पहले रोड जो है रिवर के राइट साइड में था, फिर यहाँ एक गांव आया है, इधर से ब्रिज पार करके लेफ्ट साइड आ गया हूँ। यहाँ से कंसल जी को मैंने पूछा तो बता रहे हैं पदुम यहाँ से होगा कोई 25 किलोमीटर, तो 3-4 किलोमीटर के बाद शायद सड़क भी मिल जाए। अब जाके सड़क दिखी है। तो जैसे एकदम से आराम आता है ना, बस चढ़ाई ना आए यार, दिक्कत हो गई है। साइकिल का जो गियर है ना आगे वाला, उसमें छोटा गियर चेंज नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो बड़ा ही गियर चलेगा, और चढ़ाई के लिए छोटा गियर चाहिए होता है। तो सामने उस पहाड़ के पीछे सूरज छिप रहा है, एंड इस तरफ एक बहुत कमाल का गांव दिख रहा है मुझे। इसकी लोकेशन देखो आप, कहाँ पे बना हुआ है गांव है या कोई मोनेस्ट्री है, पर जो भी है बहुत कमाल है। ये यहाँ से दिखेगा सही, ये देखो। साढ़े 7 हो गए हैं शाम के, सूरज ऑलमोस्ट ढल ही गया है उधर पहाड़ों के पीछे, और अब हम पदुम के आसपास ही हैं। बस ऐसा ही रास्ता रहे, 5 मिनट में पहुंच जाना है।